नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑक्टोपैड गुरु में। दोस्तों आज जो पैच लेकर आए हैं वो है जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, और ये गीत की फरमाइश हमारे एक सब्सक्राइबर ने की थी, तो उनकी फरमाइश पर ये जो है हमने पैच बनाया है। अब बात करते हैं इस पैच की आवाज़ एसपीडी 20 प्रो में कैसी सुनाई दे रही है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो बेसिक पैटर्न हम लेकर आए हैं, बेसिक पैटर्न जो होते हैं वो लेकर आया हूँ, या तो मुखड़ा और अंतरे का जो पैटर्न है वो है। म्यूज़िक के लिए भी आप उसको ही यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से आपका जो है पूरा गाना इन दो पैचेज में कंप्लीट हो जाएगा। यही जो पैच है हम एसपीडी 20 और 20X के लिए भी लेकर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक के, मतलब हो सकता है अगला वीडियो इसी का है। तो आइए दोस्तों बिना देर किए हम दोनों पैटर्न समझ लेते हैं कि मुखड़े का पैटर्न कैसा बज रहा है और अंतरे का कैसा बज रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखें फर्स्ट जो है जब भी कोई लड़की देखूं ऐसा जब गाना आता है तब कैसा बजेगा, देखिए। इस तरीके से आपको वो बजाना है। अब बात करते हैं जब ओले 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 सॉफ्ट आता है तो इधर पे, यहाँ पे कॉन्गो ड्रम बजता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो अंतरे का पैटर्न है उसमें कैसे बजेगा, देखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइक दिस, इस तरीके से आपको अंतरे का पैटर्न बजाना है। और दोस्तों कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस जो है अगर आप चाहें तो मतलब अंतरे में जब म्यूज़िक बजता है उसमें आप कुछ भी बजा सकते हैं, और अगर ये बीट भी बजाते रहेंगे आप, है ना, इसके पहले जो बेसिक बीट बताइए तो भी आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों ये था एसपीडी 20 प्रो में ये पैच, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले। अब बात करते हैं इसको कैसे बजाना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला पैटर्न हम समझ लेते हैं, तो आपको क्या करना है, इस हाथ को ऐसे चलाना है। इसमें हमने ये कंप्लीट कर दिया, दिख। ठीक है, तो आपको आप इनको यहां मर्ज करना है, तो कैसे मर्ज करेंगे, देखिए क्या करना है आपको, पहले इसके साथ में इसको बजाना है और फिर इसके बाद इसको बजाना है, और इसके बाद जैसे ही ये बजना बजता है तो यहां पर आपका हाथ आएगा और दूसरी बार में इसके साथ में आएगा, ये देखिए। ठीक है, और तो यहां आप क्या होगा, ये शुरू हुआ, उसके बाद क्या होगा कि जब इसके बाद का जो पैटर्न बजता जाएगा फिर वो यहां से ऐसे शुरू होने लगेगा अपने आप ही, लेकिन उसके लिए आपको पहले यहां से शुरू करना पड़ेगा। तो ये बजाया आपने, इतना बजा लिया, 1 2, और यहां पर यहां पे आया और फिर इसके साथ बजा, और फिर और उसके बाद ये बजाना है आपको, और उसके बाद ये बजाना है ये। ठीक है, ठीक है, तो जब यहां के बाद आता है तो एक बार आपको यहां पे जाना है, इसके बाद बेस के साथ में, और एक बार आपको यहीं रहना है। ठीक है, एक बार आपको यहां पे जाना है और एक बार यहीं रहना है, तो कैसे, देखिए। ठीक है, देखिए एक बार यहां पे आ गए, फिर देखिए, देखिए एक बार यहां पे आ गए, देखिए ना, ठीक है ना। तो ऐसे में बहुत धीरे बताऊंगा तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन आप इसको जो है समझ लीजिए कि आपको शुरू में आपको ये बजाना है, ये लाइक दिस, आपका पैटर्न यही है, और इसमें आना एक बार और एक बार इधर पे रहना। ठीक है, तो फर्स्ट बार में देखिए ये लाइक दिस, लाइक दिस, तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वो ढोलक वाले पैटर्न की, तो वो कैसे बजाना है आपको, देखिए उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, आपको यहीं से शुरू करना है, यहां से,
सेम चीज, सेम सेम स्टाइल है, ठीक है। और फिर इसके साथ में आपको इसको बजा देना है, बस बस। पिकअप के लिए लगाया हुआ हमने पिकअप, आप इधर बजा सकते हैं, ठीक है। और एक पैटर्न ये मैंने बताया था आपको, ऐसा है ओले ओले, तो आपको करना है, यहां पर दो बार डिले डला हुआ है इसलिए आप एक ही बार बजाएंगे यहां पर ना, ठीक है। और ये भी क्लियर, और ये भी क्लियर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मैं नहीं रहता हूँ इन सब चीज़ों में, क्योंकि आपको मालूम ही है मैं बजाता नहीं हूँ। मैं केवल पैच बनाकर आपको देता हूँ, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी तभी जाके आपका हाथ बहुत अच्छे से इसमें बैठ पाएगा। तो दोस्तों ये 20 प्रो के लिए है, 20X और 20 के लिए भी हम इस तरीके से ही आपको बजाना पड़ेगा। तो लर्निंग प्रोसेस यही रहेगी, मतलब बजाने की प्रोसेस यही रहेगी, सीखना इसी वीडियो से है आपको। हो सकता है मैं उसमें भी थोड़ा सा आपको बता दूं, है ना। तो इसको बढ़िया अभी टेलीग्राम से डाउनलोड करिए दो बैच और इसको सीखिए, और फिर मैं लेके आता हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।